मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आम तौर पर हम आम मनुष्यों की जो फितरत है वो अपने आप को थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत और इंटेलेक्चुअल साबित करने की होती है, और इसलिए मैंने देखा है कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि मैं भाग्य में बिलीव नहीं करता, मैं ज्योतिष में बिलीव नहीं करता, मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता, और ज्योतिष जो है वो एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। और जब ऐसे ही लोग बार बार समय की मार के कारण या तो कर्ज के तले डूब जाए या पूरी मेहनत करने के बावजूद भी बिजनेस उनका सीधे ढलान पर आ जाए, तब कहीं जाकर के उनको समय के चक्र, काल चक्र, ज्योतिष, भाग्य, इस पर विश्वास होता है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं संपर्क किया, क्योंकि जब समस्या बहुत गहरी हो जाए तब उस गहरे भाव घाव को भरने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उनका एक ही उत्तर होता है कि आचार्य जी, पहले मैं बिलीव नहीं करता था। और ऐसा ही एक कार्य है जो कई बिजनेसमैन, व्यापारी इससे जूझते हैं, और उस कार्य का नाम है व्यापार का बांध दिया जाना। जी हाँ, हमारा ही कोई पूर्व साझेदार, हमारा पहले का पार्टनर, पहले बहुत अच्छी हमारी बनती थी, किसी कारण से अलग हो गए। हमारा ही पूर्व कर्मचारी जो पहले बहुत ईमानदार था, परंतु जब उसके मन में लालच जाग गया और जब सारी चीजें उजागर हुई और उसको फायर किया गया, बाहर का रास्ता उसको निकाला गया, तब वो तंत्र विद्याओं के और गलत चक्रों में पड़ करके हमारे ही बिजनेस को डुबाने पर आमादा हो गया। इसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि आचार्य जी, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो व्यापार है, उसको बांध दिया गया है। आमतौर पर जब बिजनेस में एकदम से डाउनफॉल आते हैं तो हम समझते हैं कि शनि की कुछ या राहु की कुछ समस्या है, साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, पनौती चल रही है, पर जब देखने पर जन्म पत्रिका में कुछ भी नजर नहीं आता, सारी चीजें ठीक है, फिर भी यदि बिजनेस पूरी मेहनत के बावजूद आपके डाउनफॉल पर ही जा रहा है, तो ये सीधा सा संकेत है कि आपका जो बिजनेस है उसको भी किसी ना किसी प्रकार की इसी बंधन का जो शिकार है उसको स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को। अब इसकी कुछ मैं आपको निशानियां बतला देता हूं साथियों, कि आपको बिजनेस, जो भी आपका कार्य स्थल है, फैक्ट्री है, कारखाना है, ऑफिस है, दुकान है, वहां जाने का मन ही नहीं करता। आप अनमने मन से उठते हैं, ऑफिस जाने के नाम पर आपको बिल्कुल भी उत्साह नहीं है, ये इसका पहला संकेत है। ऐसे कर्मचारी जिनकी फैसिलिटी का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, आप देखते हैं कि मैं इसको बहुत ज्यादा आगे से आगे फैसिलिटी दूं, पर वो या तो काम छोड़ करके चला जाता है या फिर वो बेईमानी करना शुरू कर देता है, ये इसका दूसरा संकेत है। आप जब कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं तो आपके सिर में भारीपन, आलस्य, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है कि मैं पूरी ऊर्जा से काम करूं ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। उधारी जो है वो ना चाहते हुए भी बहुत अधिक हो गई है। पैसा आप जिन लोगों से मांगते हैं वो पैसा दे नहीं रहे, मार्केट में आपका पैसा रुक गया है, क्योंकि बिजनेस में पैसे का जो सर्कुलेशन है वो चलता रहना चाहिए, उसमें एक प्रकार से यदि ब्रेक लग गया है, और आपका जो अधिकांश समय है वो आयकर, GST, इस प्रकार के प्रपंचों से दूर होने में ही लग जाता है, माल जो है उसका अननेसेसरी नुकसान आपको हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि एक धारणा है कि सरकारी जो कार्य है वो बिना रिश्वत के नहीं होता, आपका कार्य तो रिश्वत देकर के भी यदि नहीं होता, ये सारी चीजें यदि आपके साथ में है तो निश्चित रूप से बिजनेस को बांधने के जितने भी संकेतक हैं वो सारे के सारे यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं। बिजनेसमैन आप स्वयं हैं, आपने बिजनेस को खड़ा किया है, आपने बिजनेस किया भी है, आपने लाभ कमाया भी है, ऐसी बात तो नहीं कि आप कोई बहुत ही नौसीखे हैं, इसलिए बिजनेस की बारीकियां आपको पता है, और जो सारे पॉइंट्स मैंने बतलाए वो भी सारे के सारे आपको अभी पता चल गए। तो यदि ऐसी स्थिति आपके साथ में है तो किसी भी शुक्ल पक्ष का जो प्रथम शनिवार आता है उस दिन आपको आपकी जो लंबाई है नख से लेकर के शिख तक की,
उसका तीन गुना, आपकी लंबाई का तीन गुना सूती काले रंग का धागा आपको प्राप्त करना है। और शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को ही आप जब अपने कार्यस्थल की तरफ जाते हैं, घर से आप कार्यस्थल के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, उससे पहले बीच में किसी भी पीपल के वृक्ष को आपको प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि पूरी मेहनत के बावजूद भी बिजनेस में मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। उनकी तीन परिक्रमाएं लेकर के, आशीर्वाद लेकर के आप ऑफिस आ जाइए और आपका जो ड्रॉअर है जहां पर आप अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हैं उसमें उस धागे को आप रख दीजिए। और जब अगला शनिवार आता है तब ऑफिस से लौटते समय उस धागे को आप उसी पीपल के वृक्ष का जो तना है उसमें बांध दीजिए और तीन गठान उसमें आप लगा दीजिए। साथियों, जिस किसी ने भी बुरी नजर लगाई है, जिस किसी ने भी कोई बुरा कृत्य किया है तांत्रिक बाधा के रूप में या और किसी भी बाधा के रूप में, वो उसी पल से समाप्त हो जाएगी। और आपको नज़र कैसे आएगी? आपको नज़र आएगी कि अगले ही दिन से आपके जो बिजनेस की कर्व है वो सीधे ऊपर उसकी रेखा जाने लगेगी, प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, लोगों से आपका मन जो है बिजनेस मीटिंग में वो बहुत अच्छे ढंग से आप डील कर पाएंगे और आपके कर्मचारी भी आपके साथ में खड़े होंगे। साथियों, प्रयास हमारा यही रहता है कि सरलतम उपाय आपके लिए लेकर के आए और आप उसका निश्चित रूप से फायदा जरूर उठाएं। और इसी प्रकार के कार्यक्रम हम लेकर के आते रहते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए।